हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अमोल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है शेयर मार्केट अपडेट्स के बारे में। मार्केट के बारे में डेली अपडेट्स, मार्केट में कौन से स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा और क्यों रहा, उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। और एक हम एक 5 से 7 मिनट के वीडियो में हम आपको पूरा ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स हमारे लिए फ्यूचर में मतलब कमिंग वीक्स में बाय करने चाहिए, जो हमें एक अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। मार्केट के जो हाईलाइट्स है, कुछ बोल्ड पॉइंट्स है, मार्केट किस वजह से ऊपर गया, क्या वजह थी कि मार्केट नीचे आया, ये भी हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है और ग्लोबल मार्केट की क्या न्यूज है जिसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है या फिर हुआ है, ये भी हम आप सबको इसी वीडियो में बताया करेंगे। निफ्टी फिफ्टी जो मेजर इंडेक्स है अपने देश का, ये एक जो बेस है स्टॉक मार्केट का, इसके बारे में हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं जो इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं वो निफ्टी फिफ्टी में करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको ये सब जानकारी रोज दिया करेंगे 5 से 7 मिनट के वीडियो में। आपसे बस इतनी ही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट्स कीजिए। जो भी आपके सजेशंस रहेंगे वीडियोस के बारे में या फिर कुछ आपको वीडियो चाहिए तो हमें बताइए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आज का जो वीडियो है या फिर आज के जो अपडेट्स है, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। दोस्तों, आज निफ्टी फिफ्टी जो मार्केट है, जो बेस है अपने स्टॉक मार्केट का, निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट में दोस्तों। 24,858 का जो हाई लेवल था मार्केट ने जो ओपनिंग में दिया था, वो आज हाई ब्रेक हुआ ही नहीं, मार्केट पूरा दिन एक कंसोलिडेटेड फेस में था। दोनों साइड से मार्केट में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई, कॉल राइटर और पुट राइटर। कॉल राइटिंग मार्केट में कम थी और पुट राइटिंग मार्केट में थोड़ी ज्यादा थी, मतलब जिसको हम पीसीआर बोलते हैं, पुट कॉल रेशियो, लगभग आज 1.20 के ऊपर ही था। पूरा दिन भर तक पीसीआर ज्यादा था और मार्केट में ऊपर के लेवल में एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, मतलब पुट राइटर्स ज्यादा तो थे लेकिन मार्केट में रेजिस्टेंस भी काफी अच्छा तगड़ा बना हुआ था। डे हाई ब्रेक हुआ नहीं और मार्केट की जो क्लोजिंग है आज की, वो मार्केट की क्लोजिंग प्लेन हुई है, या फिर हम उसको बोलते हैं कि इक्वल में क्लोजिंग हुई है मार्केट की। मार्केट में आज जो टॉप के जो स्टॉक्स है जो भागने वाले थे, उसमें एयरटेल, बजाज ऑटो ने अच्छी रैली आई है। टीवीएस मोटर के स्टॉक में अच्छी रैली आई है और कल एक स्टॉक हमने रिकमेंड किया था जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, कल इंटरग्लोब एविएशन का, इंडिगो को, ये स्टॉक के बारे में कल मैंने रिकमेंडेशन दिया था। वो वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो देख लीजिए। 60 सेकंड का ये वीडियो है, उसमें मैंने इंडिगो रिकमेंड किया था और इंडिगो के शेयर ने आज ही लगभग 3.5 से 4% की रैली दी है। जिसने इंडिगो अभी होल्ड करके रखा है, जिनके पास है, वो और 2-3% तक उसको होल्ड कर सकते हैं, मतलब और भी उसमें प्रोबेबिलिटी है प्राइस बढ़ने की। ओके, सो आज मार्केट में जो निगेटिव पॉइंट्स था, निगेटिव जो रैली आई है, वो आई है ओएनजीसी, एलएनटी माइंडट्री और विप्रो के स्टॉक में। एलएनटी माइंडट्री माइंडट्री की वजह क्या है, एलएनटी माइंडट्री का जो स्टॉक है, एलटीएम जिसको बोलते हैं, वो स्टॉक निफ्टी फिफ्टी से बैन हो सकता है। बैन हो सकता है मतलब अभी वो निफ्टी फिफ्टी में है, वो आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है वो एक्सचेंज के गाइडलाइन के हिसाब से नहीं हो रहा है, इसीलिए एक्सचेंज उसको सितंबर महीने में, सितंबर के मंथ में उसको निफ्टी फिफ्टी के लिस्ट से बाहर कर सकती है। ऐसी ऐसा सर्कुलर और ऐसी समीक्षा सेबी की तरफ से हो रही है दोस्तों, और एक्सचेंज की तरफ से हो रही है। उसकी जगह पे जोमेटो का स्टॉक निफ्टी फिफ्टी में आ सकता है या फिर जियो फाइनेंस का स्टॉक्स आने की भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और तीसरा स्टॉक है ट्रेंट का, जो टाटा ग्रुप का स्टॉक है, उसकी भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो निफ्टी फिफ्टी में आ सकता है। आज का जो एक ब्रेकिंग न्यूज है स्टॉक मार्केट का, सेबी ने अनिल धीरूभाई अंबानी के ऊपर स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बैन लगाया है। जिनको 5 साल के लिए स्टॉक मार्केट से बैन किया है, उनको स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उनमें से कोई भी कंपनी में वो सीनियर पोस्ट पे नहीं बैठ सकते हैं। तो ऐसा सेबी का सर्कुलर, उन्होंने जो उनकी जो कंपनी थी रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उस कंपनी में जो पैसा था उसका उन्होंने मिसयूज किया है, ऐसा उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है। सो इसकी वजह से आज अनिल अंबानी जी के बारे में ही मोस्ट ऑफ द मार्केट में डिस्कशंस हुआ है। दूसरा, अभी लास्ट में हम आपको बताते हैं दोस्तों, बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक आपको अभी बाय करना है मंडे को। सो मंडे के लिए स्टॉक का रिकमेंडेशन है दोस्तों आईटीसी का।
आईटीसी का स्टॉक्स में एक अच्छी रैली है दोस्तों। एफएमसीजी की डिमांड्स बहुत ही काफी बढ़ने वाली है एफएमसीजी सेक्टर की, तो अभी इस टाइम पे आईटीसी खरीदना बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है। पिछले एक साल में आईटीसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले 2 महीने से आईटीसी के स्टॉक में अच्छी रैली आई है। पिछले 15-20 दिनों से कॉन्सेंट्रेटेड जोन में ट्रेड कर रहा है। अगर आपको आईटीसी का स्टॉक खरीदना है तो 510 रुपए के लेवल पे आप उसको खरीद सकते हैं, और कम से कम 3 से 5% टारगेट के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। और स्टॉप लॉस भी आपको उतना ही मेंटेन करना है, 3 से 5% का। तो आज के लिए स्टॉक मार्केट के अपडेट इतने हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, कुछ सजेशन हो तो भी आप हमें बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।